नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। आज हम सीखेंगे साउथ इंडिया का फेमस रेसिपी डोसा कैसे बनाते हैं। वैसे तो ये साउथ इंडिया की डिश है, बट ऑल ओवर द इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ये काफ़ी फेमस है। ये रेसिपी ऑलराउंडर है। कभी ये ब्रेकफास्ट बन जाती है, कभी ये लंच बन जाती है, कभी डिनर बन जाती है, कभी इवनिंग स्नैक भी बन जाती है। यानी ये हमारा पूरा मील भी हो सकती है। तो देखते हैं ऐसी ऑलराउंडर डिश बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। डोसा बनाने के लिए हमने लिया है 3 कप चावल, उसमें हमने 1/4 कप चना दाल डाली हुई है, और लिया है 1 कप उड़द दाल जिसमें हमने 1 टेबल स्पून मेथी दाना डाला हुआ है। हमें थोड़ा सा उसमें ऐड करने के लिए नमक भी लगेगा। अब हम इन चावल और दाल को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर अच्छे से उसको 5-6 घंटे के लिए हम सोक कर देंगे। वैसे ही हम दाल को भी धोकर 2-3 बार धोकर फिर 5-6 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। अब हमने दाल और चावल को अच्छे से 2-3 बार धोकर भिगो दिया है। हमने चावल में ये दाल इसलिए मिलाई है ताकि वो डोसे को थोड़ा क्रिस्पीनेस दे, उसके डोसा क्रिस्पी बनने में हेल्प होगी। उसी तरह से हमने उड़द दाल में मेथी दाना जो मिलाया है वो मेथी दाना डाइजेशन में काम आएगा। 8 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चावल और दाल दोनों अच्छे से फूल गए हैं। अभी हम लोग इसमें जो पानी बचा हुआ है वो निकाल देंगे और फिर हम ये चावल और ये दाल दोनों को साथ में मिलाकर थोड़ा फ्रेश वाटर डाल के हम लोग उसको अच्छे से पेस्ट करने के लिए ग्राइंड करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया है। अब मैं ब्लेंडर जार में राइस 3 चम्मच डालूंगी और 1 चम्मच ये दाल डालूंगी और थोड़ा सा फ्रेश वाटर डाल के बैटर को अच्छे से फाइन पेस्ट होने तक पीसूंगी। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही फाइन बैटर बन चुका है। इसमें हम अभी इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और इसी तरह से मैं बाकी के दाल और चावल भी पीस लूंगी। अभी हमारा ये बैटर तैयार है। अभी हम इसे रात भर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। जब भी आप फर्मेंट करने के लिए ये बैटर को रखें, डोसा बैटर को रखें, तो एक ध्यान रखिए कि बर्तन काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रात भर फर्मेंट होने के बाद फूल जाता है। तो अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो ये बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन नहीं है तो इसको डिवाइड करके 2 बर्तनों में रखें। रात भर फर्मेंट होने के बाद हमारा ये डोसा बैटर भी तैयार है। देखिए कितना फ्लफी हो गया है। अभी हमें इसमें नमक मिलाना है, बट पूरे बैटर में हम नमक नहीं मिलाएंगे। जब हमें डोसा बनाना होगा और जितने बैटर का हमें डोसा बनाना होगा हम बस उसी में नमक मिलाएंगे। ये बैटर अलग से ले लिया है, जितने क्वांटिटी के डोसे मैं अभी बनाने वाली हूँ उतना क्वांटिटी अलग से ले लिया है। उस हिसाब से मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमें ये बैटर को कंसिस्टेंसी भी चेक करना है। मैं थोड़ा और लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी। अभी जैसे फास्ट गिर रहा है स्पून से, ऐसा कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इस बैटर के लिए। तो चलिए डोसा बनाना शुरू करते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। हम लोग अभी इसमें थोड़ा तेल डालकर प्याज की सहायता से तेल ज़्यादा भी नहीं लगता है और इवनली स्प्रेड हो जाता है। ये तवे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमें डोसा डालते वक्त टेम्परेचर इतना नहीं चाहिए, तो हम जस्ट कुछ पानी की बूंदें ही स्प्रिंकल करेंगे और तुरंत ही हम जल्दी जल्दी घुमाएंगे। डोसे को अच्छे से पतला कीजिए हर जगह से।
जहाँ थोड़ा सा मोटा दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा पतला कर लीजिए, तभी ये क्रिस्पी बनेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं अभी। ऐसा जैसे ही ऊपर का सतह थोड़ी सी ड्राई हो जाती है हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल को हम लोग इवनली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। तेल इस डोसे के ऊपर जो जाली बनी हुई है तेल इसमें से नीचे जा रहा है और ये दोनों साइड को पकने में मदद करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि डोसे ने किनारे छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब ये थोड़ा लगभग पकते आया है। अब हम देखेंगे कि सारी साइड से ये जब किनारे छोड़ने लगेगा तब हमारा डोसा कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब यहाँ आप क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि डोसा सारी साइड से साइड को छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डोसा पक चुका है और ये हल्का हल्का ब्राउन कलर भी हमें दिखने लगा है। तो हम अभी इसे फोल्ड कर लेंगे। कितना प्यारा कलर आया है डोसे का। ये सादा डोसा तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे सांबर के साथ। सांबर बनाने की रेसिपी आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। शुक्रिया ये रेसिपी देखने के लिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आने वाली है इसके बाद भी। धन्यवाद।